फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा थंबनेल और आप बताइए कैसे हैं। तो चलिए, मैं आज आपके लिए वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं आज वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, बोर्नियो के अपडेट के बारे में। आप बोर्नियो हार्डवेयर टूल, सिस्टमेटिक टूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हार्डवेयर आपको जैसे जब से बोर्नियो आया हुआ है तब से बहुत ही ईजी लगता है और हार्डवेयर करने में बहुत ही आसानी भी हो रही है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वही एक बोर्नियो का अपडेट दूंगा और मैं बता दूं क्या क्या करने वाला हूं इस वीडियो में। बोर्नियो का तो अपडेट मैं देने वाला हूं, साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको वीडियो में फुल डिटेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो अपडेट है, मैं सारी अपडेट आपको दिखाना चाहता हूँ और जो अपडेट है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, सिस्टमेटिक डायग्राम भी कुछ रीड करके दिखाऊंगा और उसमें और भी क्या चीज़ें हैं मैं वो भी सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो अभी के डेट में फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि बोर्नियो जो आपका सिस्टमेटिक डायग्राम टूल है, जो बोर्नियो एक टूल है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेस्ट अभी काम कर रहा है। क्योंकि ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इस फील्ड में जो काम करता है उसी का नाम चलता है। तो फिलहाल अभी बोर्नियो की टीम ने बहुत अच्छा एक अपडेट डाला हुआ है। तो मैं वीडियो बना लिया था पर मैंने डालने में थोड़ी लेट कर दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए तो हम इसे वीडियो को आपको दिखाते हैं और हम इसे रनने से एडमिनिस्टर करते हैं। इसके लिए हमारा नेट कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सर्वर से चलता है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, ये नेट से चलेगा। आपका नेट कनेक्ट होगा तभी आपको बहुत ही अच्छी बात कि जैसे कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट के लिए, फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अपडेट में आपको कोई सा भी अलग से सेटअप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कुछ अपडेट डालेंगे तो आपको खुद ही बोल देंगे अपडेट ना, तो आपका नेट कनेक्ट रहेगा ऑलवेज, तो आप वहाँ पर जा करके अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड ये वन टाइम आपको लेना होता है। अपने किसी भी डीलर से आप बोलेंगे तो मैं डीलर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और चलिए, ये हमारा यहाँ पे लॉगिन आईडी हो चुका है तो हम इसे सिंपल ही तरीके से लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स, आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी आपका प्रॉपर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो अभी जो इसका अपडेट आया है मैं आपको अपडेट बताऊँगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ। अगर बोर्नियो के बारे में आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं जानते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि एक छोटी से छोटी जानकारी भी अगर हमें मिलती है तो बहुत खुशी फील होता है और यही जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए, हमारा बोर्नियो का खुल चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विट मैप, आप बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं, जो कि पहला ये अपडेट अभी आया है इधर से बोर्नियो की तरफ से। विट मैप, विट मैप आपको डायरेक्ट सोल्यूशन है। विट मैप, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा हार्डवेयर में जो बंदा नॉलेजेबल है, जिसे सीरीज पैलर के बारे में पता है, जिसे कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करना आता है, तो वो इस टूल के माध्यम से बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकता है। बट हमें फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये टूल उनके लिए है जो पहले से काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ पता है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बट मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ बताने की। तो जो मैं अपडेट की बात कर रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं विट मैप जो इसका अपडेट आया है। पहले इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन था और इसमें सिस्टमेटिक डायग्राम था, जो कि सबसे बेस्ट इसका जो है बोर्नियो का आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन, जो कि डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट ट्रेसिंग आपको बताई गई है उसमें। डायरेक्ट सॉल्यूशन का कोई मैटर नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं पता है, अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जितना ही आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमेटिक डायग्राम रीड कैसे करते हैं, बिट मैप को कैसे यूज़ करते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन को हमें कैसे यूज़ करना है और सिस्टमेटिक डायग्राम को कैसे यूज़ करना है, तभी आपके लिए बेनिफिट्स हैं, नहीं तो बेनिफिट्स नहीं हैं। तो चलिए, मैं पहले आपको बिट मैप के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे कुछ यूज़र अभी परेशान हो रहे होंगे कि बिट मैप तो अपडेट डाल दिया है पर वहाँ पे एक, चलिए देखते हैं, लाइव देखते हैं, सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उन्होंने अपडेट डाला हुआ है बिट मैप में, हवाई, आईपैड, आईफोन, मेजूज, वन प्लस, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, सोमी,
जो भी करंट में मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं उनके यहाँ पे इन्होंने वेट मैप को डाल रखा है। तो हम बात करते हैं वीवो की, अगर हम ले लें तो वीवो की देख सकते हैं बहुत सी सारी सीरीज़ यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे Y71, Y81, Y85, Y9S, YZ3i। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी एक मॉडल खोल लेते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं उसके बाद हम फ्रेंड यहाँ पे खोलेंगे। सैमसंग में देख लेते हैं तो सैमसंग में A सीरीज़, M सीरीज़ में भी जाएंगे तो M20 का आ गया है, M20 का इन्होंने डाल दिया। और हम बात करें तो यहाँ पे W सीरीज़, A सीरीज़, J सीरीज़ की अगर हम बात करें तो J सीरीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे J100, J410, J415, J600, J7, J6 और बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडल हैं J8 तक के डले हुए। हम अगर ओप्पो में बात करें तो ओप्पो में आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारे मॉडल जो भी लेटेस्ट मॉडल होंगे A91, A9, R11P, R11S, तो आप यहाँ देख सकते हैं रेनो जेट, रेनो 3 प्रो जो कि मैं भी ये यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, मैं बता दूँ रेनो जेट। तो हम वेट मैप इसी का देखेंगे, अपने फ़ोन का देखेंगे, मैं भी रेनो 3 प्रो यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रेनो 3 प्रो को ही खोलता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये होता है हेल्प करना आपको, जहाँ तक हो सके मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा, पर उसके बदले में आपको मेरी भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपको सब्सक्राइब वाला बटन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना है जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब यहाँ पे जो ये अपडेट आया था फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये हमारा लेआउट हो गया, ये हमारा लेआउट तो हो गया, पर फ्रेंड्स इसे हमें जूम करना है या जूम आउट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर जिन्हें भाइयों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि हमें पता है या क्या है कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जूम आउट जूम इन का नहीं दिया हुआ है, आप कहीं पे भी देखिए सर्कल में कहीं पे जूम आउट जूम इन का ऑप्शन नहीं दिया है। तो कुछ मेरे भाई परेशान होते होंगे कि सर इसे हम कैसे जूम करें, तो फ्रेंड्स आपको माउस का राइट और लेफ्ट सर्कल होता है, राइट और लेफ्ट सर्कल होता है, तो आपको यहाँ पे राइट वाले को दबा करके अप जाएंगे तो जूम होगा, और राइट को दबा करके डाउन करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका जूम आउट होगा। तो चलिए मैं वही करके दिखाने वाला हूँ, मैंने राइट को प्रेस कर दिया है, अब अप करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स ये जूम हो रहा है। अब मैं राइट को फिर से प्रेस करूँगा और यहाँ पे सर्कल को नीचे करूँगा तो हमारा जूम आउट होगा। तो एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहीं क्या आपको सही में एक्चुअल में दिक्कत आ रही थी कि नहीं आ रही थी, कि हम इसे जूम कैसे करना है, क्या करना है। फ्रेंड्स अगर आपको दिक्कत आ रही थी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर ये हमसे आपको कुछ चीज़ सीखने को मिलती है तो आप मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो मैंने राइट को प्रेस किया, अब करेंगे तो आपका वेट मैप है, ये आपकी ट्रेसिंग है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप एक एक लाइनों को ढूंढ सकते हैं यहाँ पे हर एक वेट मैप। ये मेरा ये रेनो 3 का है बोर्ड है, यहाँ पे आप लेफ्ट वाले को दबा करके लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और माउस को सर्कल को राइट लेफ्ट करेंगे तो मूव करेगा, राइट वाले को आप पुश करके अप करेंगे तो आपका जूम होगा और डाउन करेंगे तो आपका जूम आउट होगा। तो मैं लेफ्ट वाले को पकड़ के अगर करता हूँ तो हमारा मूविंग हो रहा है, तो हमें जूम करना है, तो एक बार हम और जूम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बस आपको दिखा दूँ फटाक से कि कुछ भी कनेक्टर, तो फ्रेंड्स ये बिट मैप आपको डाल दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, इसमें आप बहुत सी चीज़ें ट्रेसिंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी UFS लगी हुई है, तो इनके वॉलों को देख सकते हैं, इनकी सारी चीज़ आप जितना जूम करके जाएंगे आपको उतना वहाँ पर पता चलता जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे किसी कनेक्टर पे जाकर के आपको दिखाना चाहूँगा वेट मैप क्या है, मैं कोई ऐसे ही ले लेता हूँ। तो देखिए आपने जहाँ पे टच करेंगे, टच करने का मतलब कंटिन्यूटी, मतलब जो हम मल्टीमीटर से एक दूसरे को टच करके कंटिन्यूटी लेते हैं तो उसमें आप जाकर के बहुत ही इजीली तरीके से हर सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, कॉयल का एक सिरा एक IC पे जा रहा है और दूसरा सिरा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे और सारी जगहों पे ये जा रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं CPU में भी ये जा रहा है, अब CPU में भी रेड ब्लिंकिंग आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आपको इससे ये पता चलता है, आपको फुल ट्रेसिंग का नॉलेज हो जाता है वेट मैप से, जो कि बहुत आपको हेल्प करता है यहाँ पे आपको काम करने में। तो फ्रेंड ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉडल डले हुए हैं, तो जो हमारा इसका सोल्यूशन था मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो फ्रेंड्स फटाक से वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आपको यहाँ पे जो इसका मेन अपडेट था मैंने मेन अपडेट आपको बता दिया है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं मैं एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि जो इसका अपडेट था बहुत ही अच्छा अपडेट है, मैं आपको कहूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बोर नहीं हो ले, जिसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो आपको विड मैप मिल जाएगा फ्रेंड, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे उसका डायग्राम मिल जाएगा, तीसरा आपको डायरेक्ट सोल्यूशन जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। हाईलाइट के तौर पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको देखिए, पहला आपका विड मैप जैसा कि आपने देख ही लिया फ्रेंड्स यहाँ पे, दूसरा आपको हार्डवेयर सोल्यूशन जो कि बहुत ही गजब का है। तो आप देख सकते हैं इसमें ओप्पो सैमसंग वीवो और सोमी के डले हुए हैं। तो सपोज हमारा कुछ भी आता है यहाँ, किसी से भी रिलेटेड आता है या हमारा सिक्स से या कुछ भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम सिक्स से में गए तो देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स से का हमने खोला तो यहाँ पे LCD लाइट, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री चार्जर, सीम, माइक, ऑन ऑफ स्विच, वाईफाई और यहाँ पे नेटवर्क। जो नेटवर्क का सबसे मसला आता है तो मैं नेटवर्क का एप खोल के आपको दिखा देता हूँ डेमो, और आई होप ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसे ज़रूर लें। अगर जिनके पास है तो आप हमेशा अपडेट में मेरे साथ बने रहें, और जिनके पास नहीं है तो वो बिल्कुल ही इसे परचेस करें फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन। तो डायरेक्ट सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ तक जंपर दे दें आपका काम हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन ब्रेक है कि क्या है, कौन सी ये सप्लाइयाँ हैं। तो जब तक अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा फ्रेंड तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने तो बता दिया कि ये लाइन हमारी पावर से आ रही है, हमारा जो वोल्टेजेस है वो पावर से आ रहे हैं, जो हमारे सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही इसी यूज़ करें, और आई होप बहुत अच्छा वीडियो है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे डले हुए हैं, नोट 7 तक के डले हैं, 6 प्रो तक के डले हैं, यहाँ पे नोट 3 के डले हुए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये, आप इसे ज़रूर देखें। और मैं एक प्रॉपर वीडियो हर एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। अब बोर्नियो का तो मैं सब कुछ, जैसे किसी भाई के पास बोर्नियो अगर नहीं है फ्रेंड तो मैं बोर्नियो के सारे वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे आपको यूट्यूब में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी लाइन होती है, कहाँ से क्या लाइन है, क्या सोल्यूशन है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब मैं तीसरे को फटाक से आपको दिखा देता हूँ। विड मैप आपने देखा और यहाँ पे आपने देखा डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन, और मैं स्टोमेटिक डायग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड स्टोमेटिक डायग्राम पे बहुत सारे डले हुए हैं, सोमी, ओप्पो ZTE और हमारा LG, लेनेवो, लावा, इनफोकस, आईटेल, आईफोन वगैरह वगैरह बहुत सारे डले हैं। तो मैं एक इसको भी खोल के आपको हाईलाइट इसका दिखा देता हूँ फटाक से, मैं फटाक से ही खोल के दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको लेआउट जो कि सबसे मेन है हमारा लेआउट, जब तक लेआउट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ कैसे फाइंड करेंगे, बट मेन रोल होता है कि इसे चलाना फ्रेंड्स। तो इसे स्टोमेटिक डायग्राम चलाने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है तो आप हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज देंगे कि कौन सी सप्लाई कैसे आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इसको ट्रेस करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट में आप देखा कि आपने यहाँ पे विड मैप, आपको यहाँ पे स्टोमेटिक डायग्राम, आपको यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू सो मच।